सिविल इंजीनियरिंग क्लब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल स्टोन्स में ग्रेनाइट फ्लोरिंग। ग्रेनाइट फ्लोरिंग के बारे में हम बात करेंगे। फ्लोरिंग क्या है? फ्लोरिंग एक टर्म है जो परमानेंट कवर करता है एक फ्लोर को, मतलब पूरा जो भी फ्लोर रहेगा उसको टोटली कवर करने वाला एक टर्म है। जैसे टाइल्स है, स्टोन्स है, इससे हम लोग कवर करते हैं, तो उसको हम लोग फ्लोरिंग बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे ग्रेनाइट फ्लोरिंग की। ग्रेनाइट एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत ही ड्यूरेबल और ग्लॉसी मटेरियल है। ये बहुत ही पुराना टाइप का स्टोन है जो बहुत ही मतलब फ्लोरिंग के लिए ज्यादातर यूज किया इस्तेमाल किया जाने वाला है। ग्रेनाइट की वजह से अब अपने को अलग अलग टाइप के फ्लोरिंग्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग का ऑफिस में, होम में, अलग अलग सब जगह, मतलब आर्किटेक्चरल अपीयरेंस के लिए, लुक्स के लिए, डेकोरेटिव के लिए ग्रेनाइट फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनाइट मेनली हम ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, घर में भी यूज कर सकते हैं, पोर्च में, पार्किंग में, स्विमिंग पूल में, या फिर अलग अलग फिनिशिंग के जहाँ जरूरत है वहां भी हम लोग अच्छा से कर सकते हैं। ये जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट का साइज जनरली 60 बाय 30 सेंटीमीटर बाय 2 और 3 सेंटीमीटर का थिकनेस रहता है, और 60 बाय 60 सेंटीमीटर उसमें 2 और 3 सेंटीमीटर का थिकनेस रहता है। वो फ्लोरिंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। ग्रेनाइट में ज्यादातर वेरिएशन नहीं रहता, बहुत ही कम वेरिएशन रहता है, और इसकी वजह से इसका लुक भी बहुत ही अच्छा होता है। अभी ज्यादा वेरिएशन जहां होता है तो वहां फ्लोरिंग बहुत ही खराब होता है। ग्रेनाइट में वेरिएशन कम होने की वजह से फ्लोरिंग में इसका लुक भी अच्छा होता है और इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। अभी हम लोग जो ग्रेनाइट है इसमें कुछ टॉप 10 ग्रेनाइट्स है उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है और उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कैसे कहाँ अवेलेबल है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका प्राइसेस वगैरह क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहला है कश्मीर वाइट, उसके बाद है प्लैटिनम वाइट, उसके बाद है एब्सोल्यूट ब्लैक, उसके बाद है ब्लैक गैलेक्सी, उसके बाद है क्रिस्टल येलो, उसके बाद है टैन ब्राउन, उसके बाद है रोजी पिंक, उसके बाद राजस्थान ब्लैक, उसके बाद स्टील ग्रे, उसके बाद है विस्कॉन वाइट। इस टाइप के एक 10 टाइप के ग्रेनाइट्स है, टॉप ग्रेनाइट्स, वो हम देखेंगे वन बाय वन। अभी सबसे पहला है कश्मीर वाइट। कश्मीर व्हाइट ग्रेनाइट का आप साइड में एक पिक्चर में देख रहे हो किस टाइप का ग्रेनाइट है, कैसे दिखता है। ये बहुत ही ड्यूरेबल और ग्लॉसी मटेरियल है, मतलब बहुत दिन टिकने वाला या चलने वाला मटेरियल है। एक टाइप का यूनिफॉर्म मटेरियल है, मेनली फ्लोरिंग के लिए बहुत ही आइडियल चॉइस है। इसका साइज अलग अलग आता है, जैसे 60 बाय 30 सेंटीमीटर है, 60 बाय 60 सेंटीमीटर है, या फिर सेमी 24 बाय 24 इंचेस या 12 बाय 24 इंचेस, फ्लोरिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल है। इसका थिकनेस मेनली 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, जो अच्छे ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। अभी कश्मीर व्हाइट ग्रेनाइट एक हाईली रिकमेंडेड ग्रेनाइट है, मेनली किचन टॉप्स जहाँ जरूरत है किचन टॉप्स के लिए, और साथ साथ फ्लोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये प्लैटिनम व्हाइट, प्लैटिनम व्हाइट इसका साइड के पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये प्लैटिनम व्हाइट एक टाइप का बहुत ही ब्राइट और शाइनिंग मटेरियल है, मेनली एक इकोनॉमिकल फ्लोरिंग है। इसका मेन एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल है, मतलब बजट में आता है, इसलिए इसको बहुत लोग प्रेफर करते हैं। ये एक ऑल वेदर ग्रेनाइट है, मतलब सारे सीजन में ये चलता है और टिकता है, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही हाई है। ये ग्रेनाइट
पॉलिश्ड फॉर्म में भी है, फ्लेम्ड में, लेदर फिनिश में भी है, किसी भी टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए अवेलेबल है। इसका साइज 60x30 cm, 60x60 cm या फिर 24 इंच बाय 24 इंच और 12x24 इंच इस साइज में अवेलेबल है, अलग अलग फ्लोरिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका मेनली यूज किचन टॉप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये एब्सोल्यूट ब्लैक, एब्सोल्यूट ब्लैक आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं उसमें एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट, एब्सोल्यूट ग्रेनाइट मेनली इसका कलर के हिसाब से मतलब टोटली ब्लैक कलर का ही रहता है, ये फ्लोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मेनली पॉपुलर मटेरियल है, फ्लोरिंग टाइल के साइज में ये अवेलेबल रहता है। इसका मेनली ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और कंपेयर टू टाइल इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये स्लैब्स जो ग्रेनाइट के स्लैब रहते हैं, ये स्लैब्स एक्सपेंसिव है, बट जो टाइल रहता है 24x24 के जो साइज रहते हैं ये अफोर्डेबल है और फ्लोरिंग के लिए इसका यूज हो सकता है। ये ग्रेनाइट इन टाइल साइज में अगर आपको लेना है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्लोरिंग के लिए। अब यह है ब्लैक गैलेक्सी, ब्लैक गैलेक्सी एक साइड में जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये ब्लैक गैलेक्सी एक डार्क कलर का ग्रेनाइट फ्लोरिंग है, मेनली बहुत ही अच्छा टाइप का माना गया है फ्लोरिंग के इस ऑप्शन के लिए। एब्सोल्यूट ब्लैक जैसा ही ये ब्लैक गैलेक्सी भी पॉपुलर ग्रेनाइट है। इसमें जो ब्लैक गैलेक्सी टाइल्स जो अवेलेबल है टाइल्स के शेप में या फिर टाइल्स के साइज में जो अवेलेबल है ये बहुत ही प्रीमियम चॉइस माना गया है फ्लोरिंग के लिए। ये इसका प्राइस रेंज ये थोड़ा अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल है और इस ये जो टाइल्स है ये किचन काउंटर पार्ट्स बनाने के लिए भी यूज होता है। इसमें साइज जैसे 24x24 इंचेस, 24x12 इंचेस और 60x30 cm, 60x60 cm साइज में अवेलेबल है और ये पूरा फ्लोरिंग के लिए प्राइस की अफोर्डेबल प्राइस की वजह से होने की वजह से फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पांचवा है क्रिस्टल येलो, ये साइड के इमेज में हम देख सकते हैं क्रिस्टल येलो। ये क्रिस्टल येलो मेनली ज्यादातर यूज करने वाला ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट एकदम शाइनिंग मतलब चमकीला टाइप का रहता है और इंडोर फ्लोरिंग के लिए इसको ज्यादा यूज होता है। ये एक टाइप का यूनिफॉर्म ग्रेनाइट है, उसमें इवनली स्कैटर्ड क्रिस्टल इसमें दिखाई देते हैं, पैटर्न्स दिखाई देते हैं इसके अंदर में आप देख सकते हो। ये दिखने में एकदम चमकीला है फिर ब्राइट है और जहां लाइट कम है मतलब लो लाइट एरिया है वहां भी ये अच्छा सूट होता है। इसका साइज 60x30 cm और 60x60 cm में अवेलेबल रहता है और थिकनेस इसका जनरली 1.8 cm या 2 cm में अवेलेबल रहता है। एक टाइप का ड्यूरेबल अफोर्डेबल और मेनली वेदर फ्रेंडली ग्रेनाइट है, इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए। ये टाइप का हम लोग टाइल्स की तरह ही यूज कर सकते हैं क्रिस्टल येलो का, मेनली स्विमिंग पूल एरिया में भी इसका यूज हो सकता है। अब ये नेक्स्ट है टैन ब्राउन, ये साइड के पिक्चर में आप देख सकते हैं टैन ब्राउन। ये टैन ब्राउन एक डार्क कलर का ही ग्रेनाइट है, जैसे ब्लैक गैलेक्सी हमने देखा है एब्सोल्यूट ब्लैक देखा उसके जैसा ही है, साइज भी उसका 60x30 और 60x60 cm में अवेलेबल है। ये टैन ब्राउन ग्रेनाइट बहुत ही हार्ड ड्यूरेबल ग्रेनाइट है और इसको हम फ्लेम्ड पॉलिश्ड और लेदर फिनिशिंग टाइप के फ्लोरिंग में भी अवेलेबल होता है, इसमें भी हम लोग फ्लोरिंग में यूज कर सकते हैं। ये टाइप मेनली मून व्हाइट ग्रेनाइट और ब्राउन ग्रेनाइट फ्लोर इसका एक कॉम्बिनेशन है, मेनली मून व्हाइट ग्रेनाइट और व्हाइट एंड ब्राउन ग्रेनाइट
दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये रोजी पिंक, रोजी पिंक एक साइड के पिक्चर में आप देख सकते हैं। रोजी पिंक प्रोबेबली थोड़ा इकोनॉमिकल मतलब अफोर्डेबल है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और दिखने में इसका लुक अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल पिंक टाइप का कलर है और इंडिया भारत में बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव टाइप का माना गया है। ये इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छा होने की वजह से इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, यहाँ पर जीरो मेंटेनेंस होता है। ये टाइप का ग्रेनाइट जहाँ लार्ज एरिया मतलब बड़ा एरिया लगेगा वहां फ्लोरिंग की रिक्वायरमेंट है उधर यूज होता है और एक यूनिफॉर्म मटेरियल है। इसको इस टाइप के ग्रेनाइट को सीलिंग की जरूरत नहीं होती लेकिन इसको हाई पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है और इसका साइज 60x30 और 60x60 सेंटीमीटर में अवेलेबल होता है। अगर आप प्रीमियम मटेरियल अफोर्डेबल प्राइस के लिए चाहिए तो रोजी पिंक एक अच्छा ऑप्शन है। वे नेक्स्ट है राजस्थान ब्लैक, एक साइड में इमेज में आप देख सकते हैं। राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट एज अ फ्लोर टाइल यूज कर सकते हैं। मेनली इसका लुक एकदम अट्रैक्टिव अच्छा होता है और ये अगर व्हाइट मार्बल और प्लेटिनम व्हाइट ग्रेनाइट के साथ यूज किया मतलब ये टाइप का एक फेबुलस है। अगर व्हाइट मार्बल और प्लेटिनम व्हाइट ग्रेनाइट के साथ यूज किया तो अच्छा दिखता है। ये बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल टाइप का ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट अफोर्डेबल ग्रेनाइट राजस्थान में पाया जाता है मेनली। इसका साइज 60x30 और 60x60 साइज में अवेलेबल है। ये राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट अदर जो भी व्हाइट मार्बल है या प्लेटिनम व्हाइट ग्रेनाइट है उसके साथ ही आप उसके साथ ही आप मिल सकता है या फिर उसके क्वारी या उसका क्वारी साथ में होने की वजह से वो एक लोकेशन से ही आप पा सकते हैं इसको। उसके बाद है स्टील ग्रे, स्टील ग्रे आप इमेज साइड में देख सकते हैं। स्टील ग्रे टाइप का एक देखने में बहुत ही अच्छा टाइप का एक ग्रेनाइट है। मेनली सिल्वर ग्रे टाइप ग्रेनाइट बोल सकते हैं हम जो भारत में पाया जाता है। ये सिल्वर पर्ल की तरह मतलब जो ओशियन में जो सिल्वर पर्ल लगता है उस टाइप दिखता है। ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस है मेनली फ्लोरिंग के लिए भारत में भी और पूरे दुनिया में भी। ये स्टील ग्रे ग्रेनाइट जो भी है इसको कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप का मतलब लाइट कलर है डार्क कलर है अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही हार्ड है ड्यूरेबल है और अलग अलग टाइप्स में फिनिशिंग के अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल है। ये बहुत ही अफोर्डेबल ग्रेनाइट है प्राइस के हिसाब से और ये क्वालिटी मेनली स्टील ग्रे का जो भी है उसमें रिलायबल पॉपुलर और जो भी अवेलेबिलिटी है जो फिर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिलायबल और पॉपुलर फ्लोरिंग में ये जाना जाता है। इसका साइज 60x30 सेंटीमीटर वैसे 60x60 सेंटीमीटर अवेलेबल साइज में अवेलेबल है। अब ये नेक्स्ट है विस्कस व्हाइट, विस्कॉन व्हाइट, ये विस्कॉन व्हाइट साइड में पिक्चर देख सकते हैं। ये विस्कॉन व्हाइट भी एक अफोर्डेबल प्रीमियम ग्रेनाइट फ्लोरिंग है। इसका साइज 60x30 और 60x60 सेंटीमीटर टाइल्स साइज में अवेलेबल है। ये ग्रेनाइट मीडियम टू हाई वेरिएशन में रहता है। इसमें लाइट कलर जो भी अवेलेबल है लाइट कलर में ही रहता है। विस्कॉन व्हाइट ग्रेनाइट बोलते हैं वो फ्लोर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हाई क्वालिटी फ्लोरिंग टाइप का विस्कॉन व्हाइट जो है हाई क्वालिटी फ्लोरिंग है मेनली बेडरूम बाथरूम या फिर आउटर एरिया और रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट वहां ये यूज कर सकते हैं। अभी हमने ये पूरे ग्रेनाइट के टाइप्स देखे। इसमें टॉप जो 10 ग्रेनाइट्स है वो मेनली बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी यूज ब्यूटी वेदर प्रूफिंग अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ये हिसाब से हमने ग्रेनाइट चेक किए। अभी हमने ये जो भी 10 ग्रेनाइट का ये लिस्ट बनाया वो ऊपर के क्वालिटी के हिसाब से ही बनाया मेनली ड्यूरेबिलिटी ब्यूटी वेदर प्रूफिंग
अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इकोनॉमी, उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाया हुआ है। ये टॉप हाई क्वालिटी ऑफ टॉप 10 ग्रेनाइट्स, मेनली ये जो टॉप दिखाए ग्रेनाइट, ये आइडियल चॉइस है किसके लिए, कमर्शियल, जैसे ऑफिस हो गया, रेसिडेंसेस हो गया, अलग अलग टाइप के लार्ज प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके लिए ये आइडियल चॉइस है। और भारत में वैरायटी ऑफ ग्रेनाइट्स, मतलब 150 से भी ज्यादा अलग टाइप के वैरायटीज, ग्रेनाइट्स की वैरायटीज अवेलेबल है। मेनली भारत में ग्रेनाइट के रिसोर्सेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अवेलेबल है। ये जो 10 टाइप के ग्रेनाइट है ये सब जगह अवेलेबल है। ये मेनली ये जो मेंशन किए स्टेट है यहाँ ग्रेनाइट्स के ज्यादा से ज्यादा शेड्स अवेलेबल है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।